यह रेजिन पैटर्न। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारा ये रेजिन पैटर्न था वो कास्टिंग होकर आ चुका है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत कास्टिंग आया है ये। तो ये डिजिटल में ये फायदा रहता है कि आपका प्रॉपरली काम होता है। तो हम इसको काट लेते हैं। मैं इसे ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि हमारा वर्क चीपो क्यों हो जाता है, तो प्रॉपर एक रीज़न ये भी है कि आपका मेटल का थिकनेस प्रॉपरली नहीं आता और आप उसको कॉपिंग प्रॉपरली अच्छी तरह से नहीं करते हो, इसकी वजह से आपका ये चिप ऑफ हो जाता है। तो ये मिनिमम थिकनेस आप जो अगर एक्सो कार्ड में आप डिजाइन करते हैं तो मिनिमम उसका आपका थिकनेस तो मिलना चाहिए। ये डिजिटल में एक बहुत बड़ा फायदा है, काटा और बिठा दिया तो आपको अंदर यूज करना पड़ता है ना ही इंक लगाना पड़ता है। तो इसको मिनिमम थिकनेस हमने ऑलरेडी 0.4 देकर रखते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो 0.4 ही है हमारा अभी। इसको हम लोग थोड़ा बहुत साफ सुथ करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको डायमंड पर लगाना पड़ेगा, जो सुक्रू लगाया था वहाँ पे हम लोग इसको ज़्यादातर लोग कहाँ पे गलती करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग है ना इसको जब ये रेडी हो जाता है ना तो इसके ऊपर जो बर लगाते हैं और उसके बाद वो सैंड ब्लास्टिंग लगा देते हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला बर लगा देते हैं इससे, उसके बाद ये लोग सैंड ब्लास्टिंग कर देते हैं। ये वाला बर नहीं लगाना चाहिए आपको, ये वाला बर लगाना चाहिए। ये सिंथर डायमंड है, ये घिसता रहेगा लेकिन इसके अंदर से डायमंड निकलता रहेगा। तो ये सिंथर डायमंड जब आप इसको ऊपर लगाते हो तो इसका प्रॉपरली काम जो आप चाहते हैं वो होगा, आपका कम से कम चीपो होने का कारण रहेगा। ये लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर से डायरेक्ट ये वाला बर लगा देते और उसके बाद सैंड ब्लास्टिंग भी कोई नहीं करता, कभी कभी तो सैंड ब्लास्टिंग नहीं करते और सीधा ओपेक ही लगा देते हैं, तो वो गलती नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, ये वाला सिंथर डायमंड बर लगाना चाहिए और सैंड ब्लास्टिंग करना चाहिए। सैंड ब्लास्टिंग के बाद अगर आपके पास स्टीम है तो स्टीम कीजिए, स्टीम से क्लीन कीजिए। स्टीम नहीं है आपके पास तो आप उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक क्लीनर जो मोबाइल का भी आता है जो 1500-2000 रुपये में आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो आप वो अल्ट्रासोनिक क्लीनर से कम क्लीन कीजिए ताकि जो भी सैंड किया है आपने उसका एक उसके ऊपर बारीक पार्ट लगा रहता है तो वो आपका ऊपर इसके ऊपर नहीं रहेगा, तो वो लगाना मत भूलिए आप। अल्ट्रासोनिक से क्लीन कर दीजिए, उसके बाद आप उसको ऑक्सीडेशन में जाने दीजिए 1000 डिग्री पे और उसी के बाद आपको उसका सैंड ब्लास्टिंग ओपेक लगाना चाहिए। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन के बाद ओपेक लगा दीजिए। ओपेक कैसे लगाना है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है और ओपेक कैसे हो जाना चाहिए अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने ऊपर आई बटन दे दिया है, आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए ओपेक कैसे लगाना है और ओपेक लगने के बाद वो कुकिंग के साथ दिखना चाहिए। थोड़ी तो साइज बड़ी है तो मेरे पास और एक पर है छोटा वाला, ये भी सिंथर डायमंड है। अब उसके बाद जो लगा वो सिंथर डायमंड से ही छोटे बीच में जगह पे कनेक्टर में
कहीं भी पुराना मेटल जो कास्टिंग किया हुआ है वो नहीं दिखना चाहिए प्रॉपरली। एक अपना ये बर लगा हुआ शाइनिंग आ जाना चाहिए, अगर वो रहेगा तो उसके ऊपर क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का चिपका हुआ हिस्सा रह जाएगा। उसकी वजह से कई बार क्या होता है छोटे छोटे बबल्स आ जाए, वो भी पॉन्टिंग में, बहुत अच्छी बात क्योंकि पॉन्टिंग में हम लोग ऐसे अच्छी तरह से नहीं साफ कर सकते, क्लीन कर सकते, तो वहाँ पे आपको बारीक बबल जो आता है खास करके जब ग्लेजिंग के टाइम बहुत ज़्यादा आ जाता है लास्ट में आता है, तो अभी क्या करें करप्शन के बाद ही निकलता है, इसे एक बार करना पड़ता है, कभी कभी तो पूरा तोड़ना पड़ता है, तो ये इसकी वजह से आप प्रॉपरली इसको अगर साफ कर दोगे ये साफ कर लोगे तो आपका जो कोपिंग है ना वो 0.3 का हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको घिस लोगे ना तो मिनिमम वो 0.1 mm जितना घिस जाएगा आपका, तो उसके बाद जो प्रॉपरली रहेगा थिकनेस उसका वो 0.3 के आसपास ही रहेगा। तो 0.3 कोपिंग अपना रह जाता है, उतना कोपिंग होगा तो आपका रोकिंग नहीं होगा, वरना क्या होगा छोटा पत्रे जैसा हो जाएगा, ब्लेड जैसा वो रोक हो जाएगा, और रोक की वजह से आपका वर्क चिप ऑफ हो जाता है। अच्छा मटेरियल यूज़ करने के बाद भी ये इसे प्रॉब्लम आ जाता है तो अपना वर्क चिप ऑफ होता है। इस तरह से आप अभी इसके ऊपर सैंड प्लास्टिक लगा दो, उसके बाद स्टीम कर दो, स्टीम नहीं है तो आप अल्ट्रासोनिक क्लीनर से स्टीम कर दो। ओपेक का वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, ओपेक में कहाँ पे आप गलती करते हैं उसके बाद उसका ऊपर भी हम लोगों ने बात किया हुआ है, तो आपका जो ये चिप ऑफ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा है आपको उसके अंदर से जानकारी मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ये सब वीडियो लाए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।